अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है हमारा, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। मेरे साथ रहिएगा इस ब्लॉग में, आए जो भी कुछ रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी जैसा कि मैं करती हूँ एज़ यूजल। तो आज काफ़ी कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा वीडियो में। तो चले मेरे साथ रहिए। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर जो है हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, और कस्टर्ड बहुत अच्छा होता है स्पेशली बच्चों के लिए, और आरिस को बहुत पसंद है मीठा, तो माशाल्लाह से वो वैसे भी शौक़ से खाते हैं आरिस, तो इसलिए मैं आज आरिस के लिए बना रही हूँ कस्टर्ड, यमी यमी सा। यहाँ पर जो है मैंने कस्टर्ड भी एक तरफ घोल के रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, और अच्छा पहले जो है मैं दूध खोल किया है, मैं थोड़ा सा इसको पहले कस्टर्ड ऐड कर दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा एक हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, और एक हाथ में कस्टर्ड है, तो कस्टर्ड को डालते हुए हिलाते रहना है तो उससे ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं आपको डालने के बाद इसको शो कर दूँ। ठीक है, ये देखिए गाइस, मैंने इसमें कस्टर्ड जो है वो ऐड कर दिया है, और ये हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको शायद सही कलर नहीं दिखा होगा कस्टर्ड का, क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट ऑन नहीं की हुई, क्योंकि और थोड़ा सा लाइट का इशू है मेरी किचन में। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है तकरीबन, इसको बस थोड़ी देर में पकाऊँगी, डिश आउट करके दिखाऊँगी मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर मुझे कस्टर्ड के अंदर जो केक डालना था तो वो आरिस अली को कट करना था, तो आरिस अली कहते हैं कि मम्मा मैं इससे हैप्पी बर्थडे करूँगा। आरिस को हर केक से ना हैप्पी बर्थडे करनी होती है, तो वो कोई सा भी केक हो, पीनट केक हो या आइस केक हो, आरिस को हैप्पी बर्थडे करनी होती है, तो यहाँ पे आयशा उनसे हैप्पी बर्थडे करवा रही थी आरिस से। ये थी जी हमारी कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक, जिसको मैंने टोटली प्रॉपर डिश आउट कर दिया था, और जैली भी डाल दी थी मैंने इसके अंदर, जैली थोड़ी सी बड़ी हो गई थी मुझसे तो, लेकिन बट अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा मुझे। और यहाँ पर जो है आयशा शाम में हमारे लिए बना रही थी बर्गर, हम लोग को भूख लग रही थी तो आयशा हम लोग के लिए बर्गर रेडी कर रही थी, और आयशा बर्गर बहुत अच्छे बनाती हैं, जैसे मैंने आपको अपने पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया था और बताया था, प्रोफेशनल बर्गर बनाती हैं आयशा। यहाँ पर आयशा जो है फजीता स्प्रेड लगा रही थी यंग्स की इसमें, और यहाँ पर हमारे बर्गर टोटल रेडी हो चुके थे यमी यमी से, मज़े मज़े से, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारी गली में सामने जो है हलीम बन रहा था, तो मैंने कहा मैं ये भी छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये सामने हलीम बन रहा था, सब आग डालने में लगे हुए थे लड़के। अच्छा, अब है यहाँ पे स्पेशल पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब बारी है आप लोग को जो मेन चीज़ दिखानी थी मुझे, मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए वॉशिंग मशीन लेके आए थे, मैं कहा इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोग के साथ शेयर करूँ, इसकी अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ आप लोगों को अनबॉक्स करते हुए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कैनवुड की जो है वॉशिंग मशीन लेकर आए थे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की मेरी ये न्यू वॉशिंग मशीन कैसी लगी। हस्बैंड ने अचानक से लेके आया था, उन्होंने सरप्राइज़ दिया था बस मुझे लाके अचानक। और यहाँ पर जो है मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, ज़्यादा बता उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ दिया था, तो मैं उन्होंने कहा था मुझे आप कुछ स्पेशल बना कर दें, तो मैंने उनके लिए बनाया था लेमन पेपर चिकन बनाया था, यहाँ पर मैरिनेट करके रखी हुई थी मैंने चिकन थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए, उसको फिर मैंने ये ऑयल में कुछ हल्के से मसाले, खड़े गरम मसाले डाल के उसको इस चिकन मैरिनेट चिकन को मैंने डाल दिया था। यहाँ पे टोटल हमारी जो है प्रॉपर लेमन पेपर चिकन जो है वो रेडी हो चुकी थी, और अब देखते हैं कि मेरे हस्बैंड को कैसी लगती है ये लेमन पेपर चिकन, उनको पसंद आती है या नहीं आती है। और यहाँ पर फ़िलहाल हमारी जो है लेमन पेपर चिकन थी वो रेडी हो चुकी थी। तो जी गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज का ब्लॉग जो है वो इन्जॉय किया होगा, स्पेशली मेरी न्यू वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग आप लोगों ने बहुत इन्जॉय की होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आपसे अल्लाह हाफ़िज़।